हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे बताया आपको, मैं अपने घर पे आ चुका हूँ गांव में। और यहाँ पर मेरा घर है, जो मैं फिर बाहर से पूरा दिखाऊंगा, जब पूरा अच्छे से सफाई हो जाएगी जब दिखाऊंगा बाहर से। फिलहाल मैं अंदर दिखा देता हूँ क्या हालत हो रखी है, क्योंकि हम आए काफ़ी दिन बाद, यानी कि 5-6 महीने हो गए होंगे। हाँ, 5-6 महीने अराउंड हो चुके हैं। तो काफ़ी मट्टी वट्टी भर गई है घर के अंदर। देखो, मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा वाला कमरा है और अभी सफाई करनी है। अभी तो हमने बस कुर्सी को साफ करके रखा है। देखो, डस्ट फ्लोर पर देखो, कितने डस्ट रखे हैं। देखो जीने पर, देखो इस कमरे में, किचन में इतनी मिट्टी, यार हर जगह बहुत गंदगी हो रखी है। तो आज सफाई करूँगा, मैं करूँगा, मेरे भाई भी, और देखते हैं जो जो करें। मिट्टू वाला तो कर देगा, तो ठीक ही है। बाकी जो है कि मेरा भाई और गोलू अभी सो गए हैं, थक गए थे बहुत ज़्यादा, उन्होंने ज़्यादा रेस्ट भी नहीं किया था रास्ते में। मैं तो सो गया था भाई, मैंने बिछाया वहीं पे एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के साइड में जो होती जगह, वहाँ पर बिछाया कंबल और लेट गया भाई। मस्त आधे घंटे सोए, उसके बाद निकल लिए। तो अब मैं सफाई करता हूँ, शुरू करता हूँ, क्योंकि आज दीपावली है तो थोड़ा बहुत इसको सजा भी देंगे हल्का फुल्का हिसाब से। ठीक है, अब सफाई करते हुए मिलते हैं। यार गेट वेट पे जाले वाले लगे हुए, वो जाले मारता हूँ पहले तो मैं। थोड़ा थोड़ा मट्टी है, देखो कितनी मट्टी, मट्टी भी साफ़ कर दूँगा, कपड़े से भी कर दूँगा, सारा झाड़ू वाड़ू सब मार करके मस्त चमका देता हूँ। बाहर का मैं भी आपको सीन दिखाता हूँ कैसा है। पहले इधर की तरफ जाल और मिट्टी हटा दी, खिड़की ओपन करते हैं। गाइस क्वालिटी देखो कैसी आएगी। सो गाइस, देख सकते हैं हमारा छत है, और छत पे देखो ये कितने सारे गंदगी हो रखी है अपने आप, अपने आप यानी कि जैसे बारिश वारिश होती है, पानी लगा हुआ और इकट्ठा होकर काई सा बन गया और सूख गया पूरा। देख रहे हो, क्रिस्पी हो गया गाइस, इसको साफ कर रहे हैं हम लोग। तो गाइस देख सकते हो, छत पे मैंने थोड़ी बहुत सफाई कर दी, यानी झाड़ू झाड़ू लगाया बस। और ये देखो बहुत सारा इकट्ठा हुआ है, ये बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा कम, बट ये बहुत ज़्यादा है। देखो ये छत और ये इतना सारा, अब इसे फेंकेंगे बाद में। और इससे पहले देखो यहाँ पे डिप्टों ने साफ कर दिया, यहाँ पे झाड़ू लगा दिया और यहाँ पे जाल भी मारे हैं, पता नहीं क्या मारा है। देखो वहाँ पे बाकी सारी मकड़ी, अभी इसको भगाता हूँ मैं। सो गाइस, जो मेरे थर्ड फ्लोर था उस पर मैंने झाड़ू लगा दिया, अब मेरे बारे उसके पोछा लगाने के। बट उससे पहले मैं सोच रहा पानी गिर के इसको धो दूँ, धोने से सही रहेगा, ज़्यादा ईजी पड़ेगा। तो मैं सोच रहा हूँ वह धो लेता हूँ, उसके बाद से इसको वाइपर से खींच करके फिर पोछा लगा देंगे, तो पूरा अच्छे से क्लीन हो जाएगा। एक बार करते हैं इसको। फाइनली सफाई पूरी हो चुकी है और मैं नहा धो करके तैयार हो चुका हूँ। मैं एक बार दिखा देता हूँ पहले कितना ज़्यादा गंदा था और अब कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। ये मैं पूरा लुक दिखा देता हूँ अपने घर का। देखो ये है थर्ड फ्लोर पे और ये सफाई हो चुकी है, छज्जे के पास है सारा, ये एरिया पूरा क्लीन हो चुका है। और ये जीना, ये जीना भी पूरा क्लियर हो गया है। और वॉशरूम हो गया, अभी हमने नहा लिया है। तो ये वाला मेरा कमरा है, सामान ऐसे फैला रखा है, बाकी सफाई पूरी हो चुकी है। और ये वाला भी कमरा, ये वाला कमरा भी पूरा साफ़ हो गया है, देख सकते हो कितना मस्त आ रहा है। और किचन भी क्लियर है, नीचे के जो सारे हैं फ्लोर्स वगैरह सब ऑल क्लियर, सफाई ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है। जहाँ कहीं थोड़ा बहुत रह गया वो तो रह गया होगा भाई, कितना करेंगे यार, एक दिन का टाइम था उसी में सब कुछ। आज ही दिवाली और आज ही सफाई की, भैया कमरा है ऐसे साफ पड़ा हुआ है, ये भी है साफ, सब कुछ साफ है। मैं हॉल दिखा देता हूँ, हॉल भी पूरा क्लियर हो गया है। और अभी हम जा रहे हैं मार्केट, जा रहे हैं सजाने का, कुछ सामान लेकर के आएंगे। तो गाइस देख सकते हो ये हमारा हॉल है, और यहाँ पर यहाँ भी सफाई हो चुकी है, लाइट जल रही है देखो अभी, और ये बाइक रखी है मेरी एक। तो बस अब हम निकलेंगे मार्केट के लिए, वहाँ पे कुछ सामान वामान खरीदना। और गाइस हम लोग गए थे अभी क्या नाम है मार्केट के लिए, तो वहाँ से सामान वामान खरीदा और जाना भी था, तो मैं वहाँ से आया। तो ज़्यादा देर के लिए वहाँ नहीं गया था मैं, यहाँ से बस 10-15 मिनट के लिए, बट इतना अंधेरा हो गया गाँव में ना, ज़्यादा जल्दी अंधेरा हो गया था यार। और ये रोड भी बहुत ख़राब है, इसलिए यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। पहले रोड थोड़ा ठीक था तो जल्दी पहुँच जाते थे, बट इस रोड पर इतना ख़राब हो गया ना रोड, टाइम लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे चल रहे हैं अभी, तो
देख रहे हो स्पीड 20 की 25 की ऐसे चल रही स्पीड। तो अभी क्या नाम है, मैंने गोप्रो नहीं लगाया है, गोप्रो तो घर पे छोड़ रखा है क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है मेरे को यार, उनको मैं वीडियो बनाने के नाम पे नहीं आ रहा। मैं तो ऐसा सिर्फ मतलब कि सामान खरीदने के लिए, बट मैंने देखा यार रोड दिखा रहा था, रोड कैसा, इसका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो गया। 8 बजने वाले हैं, टाइम हो रहा है 7:53 हो गए, 8 बजने वाले हैं, रोड इतना ख़राब है क्या बताएं। सो गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और अब फटाफट से पूजा करें कि लेट भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 8:15 हो गए, अब जल्दी से पूजा करते हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं हम लोग। और ये लेट वैसे दिल्ली में होते तो ज़्यादा लेट नहीं था, ये अभी तो टाइम हुआ ही था स्टार्ट का पूजा का, बट गाँव में बहुत लेट है इस हिसाब से, तो यहाँ पर फटाफट करना होगा अब हमें। तो गाइस देख लो यहाँ पे हमारा घर सज के रेडी हो चुका है, यार ये बुझ जा रहे हैं, परेशान हूँ मैं इससे, कोई बात नहीं। ये देखो गाइस सारे जगह से हमने लगा दिए, दिए जला दिए हर जगह से, रेडी है गाइस सारा, अब नीचे चलते हैं, बम फोड़ेंगे कुछ, मजा आ रहा है। यहाँ पे पूजा किया हमने और यहाँ पे बम फोड़ने का व्यवस्था हो रहा है। ओए ओए क्या कर रहा तू, अरे यहाँ पर है बस, वो क्या कर रहा है वो, कहाँ यहाँ कहाँ रख रहे हो यार, उधर लगाओ ना वहाँ पर, उधर जाके लगाना चाहिए तो यहाँ लगा रहा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बना ले देख तो लो, इतना इसमें कितना मस्त दिख रहा है। गाइस देख लो ये वाला हमारा घर है और इधर उधर कमी का गली में, उधर हमारे बड़े पापा का है और ये हमारे चाचा हैं, इनका घर है एक, और उधर भी हमारा एक घर है, वो अंधेरे में दिख नहीं रहा है, एक ये भी है, सब जगह लगी हुई है और यहाँ पे हमारी बाइकें भी हैं दोनों, देख सकते हो। अब बम फोड़ेंगे अब, वो छोटू बम फोड़ लिया क्या, चश्मा ने गिर जाए तेरा, देख लियो मारा तो गाइस जैसे पता है अभी हम लोग बम फोड़ रहे थे, तो बहुत देर से बम फोड़ते फोड़ते कान सुन हो गए, अब हम खाना खाने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है। देखो मेरा भाई लगा हुआ है खाना पकाने के लिए, काट रहा है अभी प्याज और चावल शायद बन रहे हैं, अभी बनेंगे, और हम लोग खुद बना रहे थे खाना क्योंकि वैसे तो कविंदर के घर पर हुआ था, पर मेरा भाई कह रहा कि इसकी अलग अनुभूति लेंगे हम, जैसे हम लोग जाते हैं केदारनाथ तो हम लोग खुद बनाए खाने की सोचते हैं, वैसे सोच रहे कि ना कैंपिंग टाइप वाला जो हिसाब बनता ना, तो पकाओ खाओ मज़ेदार, तो वही कर रहे हैं हम लोग ट्राई, बाकी सब लोग बैठ के यहाँ पे फल खा रहे हैं। नया बंदा है यह धनंजय, चाचा का लड़का है यार, खा रहे नमक पा रहे। तो गाइस देख लिया दीपावली का हमने खाना भी खा लिया, और ये देखो हमारा गांव कैसा सजा हुआ है, हर जगह लड़ी लगाई हुई है, उधर नहीं लगाई है, वहां पर मोमडन एरिया है इस चक्कर में, और पूरे देखो पूरे गांव में कितनी ज़्यादा लड़ी लगाई है, इतना तो हम सोचते भी नहीं कि इधर लगाते होंगे इतनी ज़्यादा लड़ी, बट ये देखो हर जगह लड़ी लड़ी है। देखो कमिंदर का घर है ये वाला, देख रहे हो, अरे अरे बिट्टू। तो अब बस गाइस अब जा रहे हैं हम भी सोने के लिए, अब टाइम ज़्यादा हो गया क्योंकि 12 बज गए, अब जाते हैं हम सोएंगे और फिर मिलेंगे अब दोबारा से किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।